टीवी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही, एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के ताल्लुक से मुसलमानों में गम और अफसोस की फिजा है। जिस तरह से उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उन्होंने पूरे एक धर्म और समुदाय के लोगों के दिलों को दुखाया है, उनके जज्बात को मजरूह किया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको मालूम होना चाहिए, किसी पर क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना एक अलग चीज है, और किसी का मजाक उड़ाना, इंसल्ट करना ये अलग चीज है। तो नबी की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है, और आप अभी व्यक्ति की आज़ादी और फ्रीडम का सहारा लेकर किसी मजहब और धर्म की मुकद्दस शख्सियात पर कीचड़ नहीं उछाल सकती, क्योंकि कोई भी कानून इसकी आपको परमिशन नहीं देता।